मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी राहत मुख्तार अंसारी के लिए। हत्या के प्रयास में मुकदमे में दोष मुक्त करार दिया गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। संभावित फैसला आ जाना था और फैसला आ चुका है। फैसले पर सबकी नजर थी। मोहम्मदाबाद कोतवाली पर दर्ज हुआ था मुकदमा, 120 बी के तहत मुख्तार पर दर्ज हुआ था 307 का। और ये पूरा मामला हत्या के प्रयास के मुकदमे में दोष मुक्त करार किया गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है फैसला। आज जो मामला था उसमें आज फैसले की तारीख लगी थी। वो मामला जो है 2009 में एक 307 का मुकदमा थाना मोहम्मदाबाद में कायम हुआ था और मुख्तार अंसारी जो है वो 25 अक्टूबर 2005 से ही गाजीपुर जिला जेल में निरुद्ध थे और ये घटना 2009 में हुई कही जाती है, जिसमें कि जेल में रहते हुए 120 बी में उनको अभी की माननीय न्यायाधीश महोदय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आज 120 बी में मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त कर दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे आशुतोष का। आशुतोष, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है, एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया और बड़ी राहत मिल गई। तो बिल्कुल, आपको बता दें एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को 2 बार 10-10 साल की सजा और उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी को भी सजा हो चुकी है, लेकिन आज मुख्तार अंसारी के लिए राहत भरी खबर है। मुख्तार अंसारी को इसी एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है। हत्या के प्रयास का मामला था। 2009 में मीर रतन नाम के व्यक्ति ने ये एफआईआर मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराई थी। हालांकि उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे और 120 बी के तहत यानी साजिश रचने का आरोपी मुख्तार अंसारी को बनाया गया था। मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था और आज उसके फैसला आया है और मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया है। 20 मई को भी हत्या के मामले में एक फैसला इसी एमपी एमएलए कोर्ट से आना है। उसमें भी इस एफआईआर का जिक्र किया गया है, जो गैंगचार्ट बनाया गया उसमें इस एफआईआर का जिक्र है। और लेकिन आज इस मामले में फिलहाल मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट का एक बड़ा फैसला है और अंसारी बंधुओं के लिए एक राहत भरी खबर। जी बिल्कुल, देखिए ये फैसला भी बहुप्रतीक्षित था। उम्मीद थी कि कुछ भी हो सकता है, फैसला खिलाफ भी जा सकता है, राहत भी मिल सकती है, तो राहत की सांसें ली होगी उन्होंने। क्या प्रतिक्रिया आई अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गैंगस्टर के जो मामले होते हैं उसमें अधिकतम सजा जो होती है वो 10 साल की होती है, लेकिन ये मामला मूल मुकदमे से जुड़ा हुआ था और हत्या के प्रयास का मामला था। यदि सजा होती तो आजीवन कारावास की सजा तक इसमें हो सकती थी, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में विद्वान न्यायाधीश ने दोष मुक्त करार दिया है, तो ये मुख्तार अंसारी के लिए एक राहत भरी खबर है। और बाकी जो मामले हैं वो गैंगस्टर से जुड़े थे, उन्हें 10 साल की सजा की गारंटी है। फिलहाल इस मामले में दोष मुक्त करार दिया है और लियाकत अली के वकील का कहना है कि हम अफजाल अंसारी का मामला हो या अन्य मामले उसमें हम आगे अन्य बड़ी कोर्ट में जाएंगे, लेकिन फिलहाल उनके लिए राहत भरी खबर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आशुतोष आपका। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आज दोषमुक्त करार दिया है। हत्या के प्रयास के मामले में ये फैसला आया है। 2009 में मोहम्मदाबाद कोतवाली में 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। मीर हसन नाम के व्यक्ति ने यह मामला दर्ज कराया था और बाद में 120 बी के तहत एफआईआर में मुख्तार अंसारी का नाम जोड़ा गया था, जिसकी सुनवाई के बाद आज फैसला आया है और एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत।